हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज तुम्हारा जो न्यूक्लियाई का कुछ एमसीक्यू रह गया था उसे हम कंप्लीट कर देंगे। जो प्लस टू सिलेबस में है उसमें से जो बच गया था उसे आज कंप्लीट कर देंगे। तो देखो, ये है 54 नंबर से। 54 नंबर क्या बोला गया है, देखो। ए न्यूक्लियस इज बोम्बार्डेड विथ ए हाई स्पीड न्यूट्रॉन, सो रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज रेडियो एक्टिव वन। दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड। तो ये जब एक न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया गया है न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया गया है, उसके बाद और कुछ नहीं लिखा। तो जब भी हम न्यूक्लियस के साथ बम्बार्ड करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, देखो ना। ये हम करते हैं, तो मैंने बोला था कि रेडियो एक्टिविटी टू टाइप्स का होता है। एक है आर्टिफिशियल और एक है नेचुरल, ठीक है। तो यहाँ हम किए हैं, तो ये क्या होगा ना, ये होगा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट देखो, 55 नंबर। 55 नंबर क्या बोला गया है, वन क्यूरी इज इक्वल टू। क्यूरी एक यूनिट होता है, किसका यूनिट ना, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है। मैडम क्यूरी से ही आया है क्यूरी। तो इसका जो आएगा वन क्यूरी कितना होगा ना, 3.7 × 10⁻¹⁰ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। पर सेकेंड डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को बोला जाता है क्यूरी, दैट इज 3.7 × 10⁻¹⁰। उसके बाद देखो, 56, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेज टू फॉर्म ए स्टेबल न्यूक्लियर, देन द रेट ऑफ डीके। तो रेट ऑफ डीके का ग्राफ कैसा होता है, हमको लास्ट ग्राफ मिला था कि ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। हमारा आंसर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ सी, ठीक है। उसके बाद देखो, 57, कंसिडर टू न्यूक्लियाई ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड। ऑफ द न्यूक्लियाई वॉज क्रिएटेड इन ए सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑफ 5 बिलियन ईयर। एक हुआ है 5 बिलियन ईयर्स, द अदर वॉज क्रिएटेड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर 5 मिनट्स एक गो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ड्यूरिंग द नेक्स्ट टाइम। तो क्या बोला गया है, देखो कि एक ने 5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था और एक 5 मिनट में हुआ है। तो उसमें से जो प्रोबेबिलिटी, डीके का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो डीके का प्रोबेबिलिटी, तो डीके में हमारा टाइम का कुछ भी लेना देना नहीं, तो डीके होगा ही होगा, उसमें से हमारा कुछ टाइम का रिलेशन नहीं। तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम ऑफ क्रिएशन, कब बना गया था उसमें से ऐसे कुछ नहीं। तो टाइम ऑफ क्रिएशन, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑफ क्रिएशन होगा थे डी। नेक्स्ट आप 58, द डीके कॉन्स्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज लैम्डा। द हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ऑफ द सैंपल आर रेस्पेक्टिवली गिवेन बाई। तो हाफ लाइफ और फुल हाफ लाइफ मीन लाइफ क्या होगा, डीके कॉन्स्टेंट लामडा है, तो लामडा है, तो इसमें से मीन लाइफ क्या हो जाएगा, लामडा मीन लाइफ मीन्स एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ इक्वल टू 0.693 बाई लामडा। ये हो, सॉरी, हाफ लाइफ होगा क्या 0.693 बाई लामडा, और टी एवरेज होगा क्या 1 बाई लामडा। तो हमारा आंसर होगा, यही आंसर होगा 0.693 बाई लामडा, और एक है 1 बाई लामडा। तो आंसर होगा हमारा सी। उसके बाद देखो, 59 क्या है, मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड, देन द हाफ लाइफ। तो मीन लाइफ एवरेज लाइफ हमको पता है, टी इक्वल टू 0.693 × TAV, 0.693 × TAV। तो टी ए भी कितना होता है, 100 सेकेंड। 100 सेकेंड 0.693 से 100 मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो हो जाएगा दो मीन्स 69.3। कितना होगा 69.3। तो ये मिनट में लिखा गया है, तो मिनट 69 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1 मिनट 1.55, हाँ ये होगा आंसर 1.155 मिनट। नेक्स्ट देखो, 60, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 5 आवर्स, 5 घंटा का एवरेज लाइफ है। तो इन ए टाइम ऑफ 5 आवर्स,
रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज एवरेज लाइफ ऑफ 5 आवर्स, तो हाफ लाइफ कितना होगा हम निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ होगा 0.693 × 5, तो 0.693 × 5 × 5 कीजिए तो ये हो जाएगा 3.465, ठीक है 3.465 ये हो गया क्या हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से एवरेज लाइफ ज़्यादा है, मीन्स ये ज़्यादा रेडिए ज़्यादा डिके हुआ है, हाफ से भी ज़्यादा हुआ है। हाफ ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई डिके लेस देन, नहीं मोर देन, ये होगा हमारा आंसर मोर देन हाफ लाइफ, तो मोर देन हाफ लाइफ यही होगा हमारा आंसर सी। उसके बाद 61 द काउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम 2800 to 1800, मीन्स इतना कम हो गया है इन 48 आवर्स, 48 आवर्स में तो इतना कम हो गया है, तो ये बोल रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ दिट्स हाफ लाइफ कितना होगा। हमारा जो फॉर्मूला मैंने बोला था n by n0 = ½ × 10^T वही फॉर्मूला पड़ेगा, तो n by n0 n कितना हो, n कितना दिया है 1800, तो n0 कितना हुआ 2800 = ½ × 10^T, तो स्मॉल टी दिया गया है 48 आवर्स, कैपिटल टी हमको निकालना है। तो ठीक है, यहाँ से 0000 कैंसिल हो गए, यहाँ बच्चा 2 में कटोगे तो ये हो जाएगा 9, कुछ गलती किए हैं, 288 यहाँ है, 288 है, ठीक है, तो ये है 288, तो यहाँ से 0 कट जाएगा। उसके बाद 18 यहाँ हम 9 में काटेंगे तो 9 में होगा तो 9 3 = 7 18 9 2 2/32, यहाँ से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, मीन्स 1/16, तो 2 का पावर कितना हुआ 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 4, तो 48/t = 4 हमको पता चल गया, 48/t = 4, सो दैट t = 48/4, 4 को काटेंगे तो ये हो गया 12, तो t हो जाएगा 12 आवर, ठीक है कैपिटल t हो गया 12 आवर, तो आंसर हमारा हो गया 12 आवर। नेक्स्ट देखो, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 40 ईयर्स, हाफ लाइफ दिया गया, हाउ लॉन्ग इट टेक टू रिड्यूस 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीके कॉन्स्टेंट, तो यहाँ दिया गया है कि हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मीन्स कैपिटल टी दिया गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 40 आवर्स, 40 आवर्स है, हाउ लॉन्ग इट रिड्यूस 1/4, मीन्स वहीं से शुरू करेंगे 1/4 = ½ × 10^t, तो कैपिटल टी कितना हुआ, कैपिटल टी हो गया 40 आवर्स, तो यह है 2, मीन्स 2 का पावर कितना हुआ 2, मीन्स कैपिटल स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इक्वल टू 2, तो टी हो गया कितना 2 × 40 हो गया 80, तो हमारा आंसर हो गया तो 80 ईयर्स। हाँ, उसके बाद दिया गया है फोर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीके कॉन्स्टेंट, डीके कॉन्स्टेंट लामडा कितना होगा, तो लामडा कितना होगा देखो, लामडा कैसे निकालेंगे, t = 0.693/λ, 0.693/λ, तो यहाँ लामडा हो जाएगा 0.693/80, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारा जो हाफ लाइफ निकल है हाफ लाइफ 80 हुआ है, तो एक ही ऑप्शन में हो है 80, सो दैट लामडा भी निकालेंगे तो 0.0173 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 63 नंबर, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फिर से हाफ लाइफ दिया गया है इतना, व्हाट इज द टाइम टेकन 75 सब्सटेंस रिड्यूस, रिड्यूस हो जाएगा मीन्स बचेगा कितना 25, तो 25/100, 25/100 मीन्स 1/4, तो 1/4 का पावर कितना होगा 2 का, 2 से करेंगे तो 1/2 टू द पावर 2,
तो हाफ टू द पावर टू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इक्वल टू टू, तो टी कितना होगा, टू इंटू कैपिटल टी दैट इज 3.2 मीन्स 6. यह हमारा आंसर हो जाएगा 6.4. तो 6.4 नियरली लेंगे 6.38, ठीक है, नियरली दैट इज 6.3. प्लूटोनियम डिकेज विथ हाफ लाइफ ऑफ 24,000 ईयर्स, ऑफ प्लैटिनम स्टोर्ड 7 to 200 ईयर्स, देन द फ्रैक्शन ऑफ प्लूटोनियम दैट रिमेन. तो स्मॉल टी और कैपिटल टी का वैल्यू दिया गया है. स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी दिया गया है 72,000 और कैपिटल टी दिया गया है 24,000, ठीक है. यहाँ से 3030 कैंसिल, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, मीन्स हमारा आंसर होगा 1/3. n by n0 ये 3 हो गया, तो हाफ टू दी पावर 3, तो हाफ टू दी पावर 3 मीन्स 1/8, ये हो जाएगा हमारा आंसर 1/8, ठीक है. नेक्स्ट देखो 64, उसके बाद 65. सपोज 1 मिलीग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज टेकन इनिशियली, आफ्टर 2 आवर इट वॉज फाउंड 0.25 मिलीग्राम. तो 0.25 डिवाइड बाय फुल कितना था, 1 था, ये हो गया 1/4, मीन्स 1/4 मीन्स 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद देखो क्या लिखा गया है, 2 आवर्स लिया है इतना होने के लिए, मीन्स स्मॉल टी 2 आवर्स है, कैपिटल टी कितना है फाइंड करना है, ठीक है. तो स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इक्वल टू 2, क्योंकि इसका पावर कितना है 2, तो उसके बाद टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी कितना होगा, कैपिटल टी इक्वल टू 2/t मीन्स 1, तो कैपिटल टी हो गया 1. उसके बाद मीन लाइफ कितना होगा वो पूछा गया है, तो हमको पता है कैपिटल टी इक्वल टू 0.693 इंटू टी एवरेज, तो ये कितना हो जाएगा 0.693 इंटू 1, 0.693 टू आवर्स इज फाउंड द मीन लाइफ ऑफ, सॉरी हमको पता गया पूछा गया है हाफ मीन लाइफ मीन्स एवरेज लाइफ कितना होगा, तो कितना होगा कैपिटल टी हो गया है 1, तो 1 से डिवाइड कर दो 0.693, ये होगा आंसर. हाँ, तो हो जाएगा ये 0.693 आवर, ठीक है. उसके बाद 66, एन अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड आर एमिटेड फ्रॉम एन एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, हाफ लाइफ कितना होगा, तो एन लाइफ डिके हो रहे हैं पर सेकेंड एमिटेड फ्रॉम एन एटम्स, तो टोटल एटम्स है एन, हमको पता है द रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो दैट हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू लामडा एन, तो प्रोपोर्शनल चिन्ह प्रोपोर्शनल साइन को उठाएंगे तो एन इक्वल टू लामडा एन हो जाएगा. उसके बाद देखो क्या द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितना होगा, तो हाफ लाइफ कितना है, तो लामडा यहाँ से निकल दो, लामडा इक्वल टू कितना हो गया ना स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, तो फिर हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कैपिटल टी इक्वल टू 0.693 इन बाय लामडा, लामडा के वैल्यू पुट कर देंगे तो यही हो जाएगा, एन चला जाएगा ऊपर 0.693 एन बाय स्मॉल एन, 0.693 कैपिटल एन बाय स्मॉल एन, हाँ ये हो जाएगा हमारा आंसर. उसके बाद देखो
67 द डीके कॉन्स्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज लैम्डा इफ ए वन ए टू आर द एक्टिविटीज एट टाइम टी वन एंड टी टू रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ न्यूक्ले। तो एक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी ये जो है हमारा ओके ठीक है। देखो एक्टिविटी क्या होता है, तो एन हम क्या लेते थे, रिमेनिंग सैंपल लेते थे, जो जितना वहाँ से फिनिश हो रहा है, जितना जा रहा है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी का एक्टिविटी एन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ये जितना जितना ज़्यादा क्या होता है फिनिश होके जा रहा है वहाँ उतना क्या होगा कि रिमेनिंग जो है वो कम 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 होते जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 67 नंबर का दिया गया है कि एक्टिविटी दैट इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सो दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, सो दैट ए वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा एन एंड ए वन लैम्डा एन वन, तो ए टू इक्वल टू लैम्डा एन टू। ठीक है, फिर एन वन माइनस एन टू करेंगे तो क्या होगा, एन वन माइनस एन टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन वन माइनस एन टू हो जाएगा लैम्डा एन वन माइनस एन टू। एन वन इक्वल टू कितना होगा, ए वन बाई लैम्डा, एन टू होगा ए टू बाई लैम्डा। तो लैम्डा नीचे में लैम्डा आएगा, ऊपर में आएगा ए वन माइनस ए टू। देखो ऐसा कोई आंसर है क्या, ए वन माइनस ए टू बाई लैम्डा, ठीक है हाँ, यह हो जाएगा हमारा आंसर सी। उसके बाद देखो द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर एन नॉट काउंट्स पर मिनट टी इक्वल टू जीरो एंड एन जीरो बाई ई काउंट्स पर मिनट एट टी इक्वल टू फाइव मिनट। द टाइम एट हुईच द एक्टिविटी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू से हाफ हो जाएगा। तो ठीक है, टाइम कितना दिया गया है, टी इक्वल टू फाइव मिनट दिया हुआ है, तो हमको पता है एन सैंपल एन इक्वल टू एन जीरो इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा टी, तो एन हो जाएगा एन जीरो बाई ई, क्योंकि लिखा गया है और रिड्यूस हुआ है एन जीरो बाई ई को। इससे टाइम कितना हुआ है ना, फाइव मिनट, तो इक्वल टू एन जीरो इंटू ई टू दी पावर माइनस फाइव लैम्डा। ई टू दी पावर माइनस फाइव लैम्डा, और यहाँ से एन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये अपर चला जाएगा, तो हमको मिलेगा ई इक्वल टू ई टू दी पावर फाइव लैम्डा। ठीक है, ई इक्वल टू कितना मिला, ई इक्वल टू ई टू दी पावर फाइव लैम्डा। हाँ, तो ई इक्वल टू ई टू दी पावर फाइव लैम्डा, तो 5 लैम्डा कितना हुआ ना, 5 लैम्डा इक्वल टू 1, 5 लैम्डा इक्वल टू 1, सो दैट लैम्डा इक्वल टू 1 बाय 5, तो हमको मिल गया लैम्डा इक्वल टू 1 बाय 5, तो 1 बाय 5, तो टी हाफ हम निकल सकते हैं 0.693 बाय लैम्डा, तो लैम्डा के जगह 5 लिखेंगे, तो 0.693 इंटू 5, तो हमको आंसर दिया गया है 0.693, मीन्स लॉग का वैल्यू नहीं लिखा गया है, तो यह हो जाएगा 5 इंटू लॉग 2 बेस ई। ठीक है, फिर देखो 69 एक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाफ हाफ लाइफ 2 ईयर्स, हाउ लॉन्ग विल इट विल टेक टू एक्टिविटी टू रिड्यूस 3% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू से 3% कम जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, हाफ टू दी पावर 3 कर दो सॉरी जो 3% कमेगा, तो 3% कमेगा, तो ये 3% क्या होता है, 3/100, तो 3/100, तो 3 क्या होता है ना, 6.25 से का हाफ कर दो, मीन 3.125, तो 3 होता है कि 3.125 के नियरली होता है,
सो दैट 3.125 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ टू द पावर 5 के बराबर आ जाएगा, हाफ टू द पावर 5 के बराबर आ जाएगा। सो दैट t इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज नियरली 10, हाँ 5 इंटू 2 नियरली 10 10 ईयर्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद 70 द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 1, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 70 द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1620 ईयर्स एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 226 केजी पर किलो मोल, किलो मोल लिखा हुआ है, हाँ मोल से भी 10 to the power 3, मीन्स देखो 1 kg पर, हाँ 1 kg यहाँ किलो मोल लिखा हुआ है, तो 226 केजी पर किलो मोल, तो यहाँ को ग्राम में लिखेंगे तो 226 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, तो यहाँ से केजी निकाल दो तो ये हो जाएगा 226 जो है 226 ग्राम पर मोल, तो 226 ग्राम में कितना होता है, 226 ग्राम में कितना होता है 6.023 इंटू 10 to the power 23, तो एक में कितना होता है 6.023 इंटू 10 to the power 23 डिवाइड बाई 226। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देने से हो जाएगा ये जो होगा उसको रहने दो, तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, n का वैल्यू हो गया। फिर आएंगे एक्टिविटी हमको निकालना है, तो n से लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो t हाफ इक्वल टू और t इक्वल कैपिटल t इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, 0.693 बाई लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा कितना, तो लैम्डा हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 1620 ईयर्स, तो 1 इतनी ईयर्स लिखा हुआ है 1620 ईयर्स, तो ईयर्स को हमको सेकंड में निकालना है, तो सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 1620 इंटू 3.156 इंटू 10 to the power 7, इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेकंड में। यह बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ये मैं कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद आर हो जाएगा लैम्डा एन, उसके बाद आर हो जाएगा लैम्डा एन, तब कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेशन कर देना, यह है लैम्डा का वैल्यू और यहाँ एन का वैल्यू हम पहले से निकल थे, तो उसको पुट कर देना, देने से यह आंसर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा 3.61 इंटू 10 to the power 10। कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन कर देना है, ऐसे हाथ में कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखो 71 10 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ 15 ईयर्स केप्ट इन ए स्टोर ऑफ 20 ईयर्स। तो ठीक है, हाफ लाइफ 15 ईयर्स है, तो 20 ईयर्स में उससे भी ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होगा, तो डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल तो कितना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो कितना होगा, ये होगा वो हाफ से ज़्यादा होगा, हाफ से ज़्यादा होगा मतलब हमारा हाफ है 5, तो 5 से ज़्यादा। ठीक है, तो 5 से ज़्यादा द डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल द रिमेनिंग सैंपल होगा डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल 10 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ 15 ईयर्स केप्ट इन ए स्टोर द डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल इज, डिसइंटीग्रेटेड मीन्स चला गया है, वो तो हाफ से ज़्यादा होगा मीन्स 6.03 ग्राम डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल, डिसइंटीग्रेटेड कितना हो जाएगा 6.03, यही आंसर होगा क्योंकि यह हाफ से ज़्यादा है। ठीक है,
उसके बाद देखो 72 एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डिक्रीजेस वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 3 डेज, तो देन 9 डेज में कितना होगा? इसका आंसर कैसे करोगे? 3 से 9 कितना ज़्यादा है ये देख लेना। तो 3 से 9 कितना? 3 का 9 मीन्स 3 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 9। तो ये हाफ 1/3 है, 1/3 को जस्ट 3 उसका क्यूब कर लेना है, क्योंकि ये 3 टाइम्स ज़्यादा है, इसका क्यूब कर लो। क्यूब कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 73 कितना होगा देखो 73 एक्टिविटी रेडियो एक्टिव डिक्रीज टू 1/3 ओरिजिनल व्यू इन 9 ईयर्स, 9 ईयर्स में आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स, लेकिन 9 ईयर्स के बाद 9 ईयर्स, 9 9 18 ईयर्स हो गया, तो 18 ईयर्स हो गया। तो ये लिखा है इट्स एक्टिविटी विल बी, एक्टिविटी कितना होगा ये निकलना है। तो एक्टिविटी देखो डिक्रीजेस टू 1/3, 1/3 का 1/3, 9 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, 9 से 2 मल्टीप्लाई, सो दैट इसका भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। और सॉरी यहाँ 72 में थोड़ा गलती हो गया, 1/3 का क्यूब करना है, 1/3 का क्यूब कितना होगा? 1/127, 1/127 मीन्स ये हो जाएगा आंसर ए इसका, और इसका 2 टाइम्स मीन 1/3 का स्क्वायर आर नॉट बाय 9, ये हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। बस इतना ही आज, हाँ ये वीडियो देख लेना, देख के आराम से घर से आना।